अभी देखो एक बात ऐसी है ना जो मेरे समझ में आज तक नहीं आई कि आखिर ऐसा क्यों होता है। गरीना बार बार इतने टाइप के चमत्कार कर कैसे लेता है यार? क्योंकि ये जो गेम है फ्री फायर, इसको तुमने बहुत सालों साल खेला है और इसको खेलने के बाद तुम्हारे दिमाग में एक ही बात आती होगी, मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। गरीना ने अभी लेटेस्ट कुछ नया चमत्कार किया, जाओ देखते हैं कि चमत्कार कैसा है। पर जो भी मुझे यहाँ पर तुम्हारा ओपिनियन नहीं पता कि इसमें तुम्हारा क्या ओपिनियन, पर अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं तो यही कहूंगा कि चमत्कार बहुत अच्छा है। और मैं तो कहता हूँ इस टाइप के और चमत्कार करो, बहुत ही भयंकर भयंकर चमत्कार करो, पर वो चमत्कार कोई काम करने क्योंकि ग्रैंड मास्टर पे फिर भी नुबड़े आ रहे हैं। पर यहाँ अगर तुम बात करो कि सिर्फ हीरोइक की, तो हीरोइक के लिए बेस्ट है। जब से गरीना ने रिवाइव वाला सिस्टम निकाला है उसके बाद से बहुत मजा आ रहा है, और खासकर उन लोगों को जो पुशिंग करते हैं। अब तुम यहाँ मुझे देख लो, यहाँ पे मैं जाऊंगा और एनिमी को ढूंढूंगा और उसको मारूंगा, नहीं मैं जाकर उसके यहाँ से मरूंगा, और तुम फिर उसके बाद देखना क्या चमत्कार होता है। अब जो गेम है वो गेम नहीं रहा है, अब ये करण अर्जुन वाली कहानी बन चुकी है। आजकल ऐसा हो गया ना कि मैं एक ही एनिमी को दो दो बार तीन तीन बार मार दिया करता हूँ, और बस यही सोचता हूँ यार इसको तो अभी मारा था ना मैंने, अब देखो बस यहाँ पे अब मैं मरने वाला हूँ और फिर देखना क्या होगा। अब मेरे मरने के बाद ये भाई आ गए रिवाइव पॉइंट पे और यहाँ मुझे रिवाइव कर लिया जाएगा। अब देखो गरीना की निकाली हुई सबसे बेस्ट स्कीम है और मुझ जैसे लोगों को तो बहुत मजा आ रहा है। मतलब देख रहे हो तुम मर के जिंदा होने वाली फैसिलिटी कितनी सुविधा दे रहा है आजकल गरीना। यार फ्री फायर वाले बट जो भी है जो तुमको ये आइडिया दे रहा है ना, मैं कह रहा हूँ एक बार और कह रहा हूँ भाई बदल लो, और साथ में उस बंदे को भी बदलना जो बंदा इन आइडियाज को अप्रूवल देता है। देखो वैसे आइडिया इतना बुरा नहीं है बट यार उतना अच्छा भी नहीं है। पर यहाँ आप अगर सारे प्लेयर्स की भावनाओं को अलग रख के सिर्फ मेरी भावनाओं पर ध्यान देंगे और मेरी बात सुनेंगे तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। पर जो ये मजा है ना तब मुझे और ज्यादा आएगा जब मैं रिवाइव हो जाऊँ बट एनिमी ना हो। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी, पर यहाँ पे हम सारी दुनियादारी अलग रखते हैं। आज तुमको मैं इस वीडियो में चार चीजें दिखाने वाला हूँ। पहली चीज की जो रिवाइवल पॉइंट है इसका क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है, और सेकंड हम इस पर बात करेंगे कि क्या इन सब चीजों से लोगों के सर्वाइवल पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, और थर्ड बात करेंगे हम कुछ चमत्कारी